हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज योर मैथ्स क्लास और इस समय हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में सभी बच्चों को 2 से 10 तक टेबल्स लर्न होने चाहिए। वैसे तो आप सबको 20 तक टेबल्स लर्न होने चाहिए, ओके। बट अभी आपके कोर्स में 1 to 20 नहीं है, 1 to 10 ही, 2 to 10 ही टेबल्स हैं। तो आप सिर्फ 10 तक ही टेबल लर्न कर लीजिए और इसी से आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले आप सभी बच्चे आज डेट मेंशन कीजिए 10 अगस्त और पेज नंबर है 101। ओपन योर बुक पेज नंबर 101। सभी बच्चे ओपन करें पेज नंबर 101। डेट है 10 अगस्त, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर, अगर आपको टेबल लर्न है तो यहाँ पर जो आपको लुक एट द गिवन ग्रिड, नंबर 4 इज कलर्ड, यू नीड टू स्किप काउंट बाय 4 एस कलर द बॉक्सेस। 4 स्किप्स मतलब जानते बच्चों, सभी बच्चों को हमने स्किप काउंटिंग लर्न कराई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 जो है रेड कलर से है। तो अब आपको बस 4 स्टेप्स आगे बढ़ने, कितने स्टेप्स आगे बढ़ने, 4, 1 2 3 4। तो अब 4 के बाद से आपको शुरुआत करना है, ठीक है। जैसे 5 पे 5 6 7 8, नेक्स्ट 4 स्टेप आप चले तो किस नंबर पे पहुंच गए, 8। तो 8 को आप कलर कीजिए रेड से, ठीक है। फिर से आप 4 स्टेप चलेंगे तो किस नंबर पे आप पहुंचेंगे, 12, ओके। 12 को भी रेड कलर से कलर कर दीजिए। फिर से नेक्स्ट 4 आप चलेंगे तो पहुंचेंगे आप 16 पे, ओके। 16 को कलर कीजिए और अब आप लास्ट में किस नंबर पर पहुंचेंगे, आप कलर करके सेंड कीजिए। इसी प्रकार से मार्क ऑन द नंबर लाइन एंड राइट द प्रोडक्ट बाय स्किप काउंटिंग। बच्चों ये जैसे यहाँ पर स्किप काउंटिंग दी है ना, बस इसी प्रकार से यहाँ पर आपको नंबर लाइन नहीं बनानी थी, सिर्फ आपको वहाँ पर काउंटिंग करके बतानी थी कि 4 स्किप, आपको स्किप काउंटिंग आती है कि नहीं आती। जैसे 2 स्टेप्स हो, है ना, तो कैसे करेंगे, 2 2 4, 2 2 स्टेप्स आपको काउंट करने हैं। 4 अगर स्किप काउंटिंग, ठीक है, तो आपको 4 4 स्टेप काउंट करने, 5 स्टेप्स होते तो 5 5 स्टेप काउंट करते, ठीक है। अब यहाँ पर दिया 3 × 3, इट मीन्स 3 का टेबल 3 टाइम्स, या आपको ये कह दिया जाए कि आपको जो 3 ग्रुप है वो 3, जैसे 3 है तो 3 स्टेप्स आपको काउंट करनी है। कैसे स्टार्ट करेंगे आप 0 से और किस पर पहुंचेंगे, 3, ठीक है। और 3 को आप कितने बार जाएंगे, 3 टाइम्स। जब आप 3 स्टेप्स लेंगे और 3 बार जंप करेंगे तो आप किस नंबर पे पहुंचेंगे, बताइए आप। जैसे आप 0 से 3 पर पहुंचे, फिर से आप 3 स्टेप काउंट कीजिए 1 2 3, तो आप नेक्स्ट 6 पे पहुंचे। अभी तो आप 2 स्टेप जंप किए, 3 स्टेप जंप करना है, तो 6 के बाद फिर से आपने 3 स्टेप जंप किए तो कहाँ पहुंच गए आप, 9, ओके। यानी कि यहाँ पर आपको दिखाना भी है, ड्रॉ करना है, ये नहीं कि सिर्फ आंसर लिख दिया हो गया, नहीं, यहाँ पर आपको शो करना है, बताना है कि हमने इसको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जंप किए, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे 3 × 3 और अब है यहाँ पर 4 × 5, ठीक है। 4 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है ना, 4 5 टाइम्स। तो अब आपको क्या करना है, टेबल्स पढ़िए बच्चों, कैसे पढ़ेंगे आप लोग टेबल्स, किसका टेबल पढ़ना है, 5 का, है ना, 5 का टेबल पढ़ना है। और स्टेप्स कितनी होनी चाहिए, 4, तो 0 से स्टार्ट कीजिए तो हो जाएगा 5 पे पहुंचेंगे आप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप 5 में पहुंचे, फिर आप चलेंगे 5 स्टेप, 4 टाइम्स चलना है आपको, ठीक है। अब फिर से आप पहुँचे सेकेंड में, आप सेकेंड टाइम पहुँचे 10 पर, फिर थर्ड टाइम पे 5 स्टेप चलिए पहुंच जाएंगे 15 पर। इसी प्रकार से फिर से हम 4 स्टेप चल, 5 स्टेप चलेंगे
और कहाँ पहुँच जाएंगे, 20। ओके, बट आप बच्चों को यहाँ पर मुझे दिखाना भी है, ये नहीं कि केवल आपने आंसर लिख दिया और भेज दिया, नहीं। तो चलिए, जो बच्चे सुन रहे हैं ध्यान से, तो स्टार्ट करिए चलना, ज़ीरो से स्टार्ट कीजिए और जंप कीजिए, 1 पे पहुँचे, फिर 2 पे पहुँचे, फिर 3 पे, 4 पे, और लास्ट में अब 5 पे पहुँचे, पहुँच गए। तो फर्स्ट स्टेप का कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड स्टेप में फिर से आप 5 के बाद से फिर से स्टार्ट करें, 6, ठीक है, तो 6, 7, 8, 9, 10। नेक्स्ट स्टेप कौन सा आ जाएगा आपका, 10। इसी प्रकार से 11, तो 11 से लेकर के आप देखेंगे 16, ठीक है। तो अब आपको कितने स्टेप चलने हैं, फिर से 5 स्टेप चलेंगे और नेक्स्ट पहुंचेंगे आप 10 के बाद 15 पे, 15 के बाद 20 पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग, ये नंबर लाइन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब जल्द से जल्द इस वर्क को आप सभी बच्चे इसी बुक में फिल करना है, इसी बुक को करना है। केवल आपको पहले क्वेश्चन में रेड कलर से कलर करना है और सेकेंड क्वेश्चन में आपको स्टेप्स शो करने हैं, ठीक है। तो आप जल्द से जल्द ये वर्क कंप्लीट कर लीजिए, सेंड कीजिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।